इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द सैलून मेंस पार्लर एंड स्पा नियर बाय आदर्श पेट्रोल पंप बिलासपुर रोड सारंगा। नमस्कार एशियन 24 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सारंगढ़ के पूर्व विधायक केराबाई मनहर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सारंगढ़ के पूर्व विधायक केराबाई मनहर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। आपको बता दें केराबाई मनहर ने पोस्ट करते हुए कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत थी और 3-4 दिन पूर्व ही उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसका रिपोर्ट आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। साथ ही उन्हें इस पर कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। तो केराबाई मनहर का ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है। कहा है कि जब एक पूर्व विधायक के साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है तो सोचने वाली बात है कि और भी मरीजों के साथ यहां क्या व्यवहार किया जा रहा होगा। तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं कि पूर्व विधायक केराबाई मनहर ने पोस्ट करते हुए शासन और प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और कहा है कि सारंगढ़ शासकीय अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कोरोना को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। उनके द्वारा कराए कोविड टेस्ट की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। साथ ही कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर तीखे सवाल भी किए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि केराबाई मनहर की इस पोस्ट के बाद शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या जवाब आता है। आप देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द सैलून मेंस पार्लर एंड स्पा नियर बाय आदर्श पेट्रोल पंप बिलासपुर रोड सारंगढ़।